पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कांग्रेस पार्टी में अल्पसंख्यक विभाग के पद पर रहते हुए सगीर सईद ने जम्मू कश्मीर में एक भड़काऊ बयान देते हुए आतंकवादियों की तरफदारी करते हुए भाजपा के नेता को फांसी पर चढ़ाने की बात कही थी। इसके बाद से उक्त नेता भाजपा के निशाने पर आ गए हैं और अपने को घिरता देख ये नेताजी बैकफुट पर आ गए। मूल रूप से मुरादाबाद में रहने वाले सगीर सईद अक्सर विवादों में बने रहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अल्पसंख्यक विभाग के पदाधिकारी बनाया गया है, जिसके चलते उक्त नेता आए दिन चर्चाओं में बने रहने के लिए कांग्रेस की फजीहत कराते रहते हैं। ताजा मामले में इन नेताजी ने कुछ दिन पूर्व जम्मू कश्मीर में बैठकर भड़काऊ बयानबाजी की है, और वो भी मीडिया के कैमरे के सामने। ये नेताजी सीधे तौर पर आतंकवादियों के पक्ष में बोलते हुए उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की बात कह रहे हैं और नया कानून बनाकर भाजपा के नेता को फांसी पर चढ़ाने की तरफदारी करते हुए कैमरे में कैद हुए। ये भड़काऊ बयानबाजी मीडिया में उठने के बाद नेताजी भाजपा के निशाने पर आ गए। अब नई बात होनी चाहिए भाई, हम चाह रहे हैं कि भाई ये बीजेपी जो है वो खून खराबा क्यों कर रही है इतना कश्मीर में। भाई देखिए, वो भी तो हिंदुस्तान का एक अंग है। कश्मीर को हिंदुस्तान कभी अपने से जुदा करेगा नहीं, हमेशा कश्मीर हिंदुस्तान के ही अंदर रहेगा, और कश्मीर में रहने वाले वो सब हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तानियों पर गोली चलाकर ये अच्छा नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। बल्कि कोई बातचीत का रास्ता अपनाया जाए जिससे कि वहाँ गोलीबारी, खून खराबा जो हो रहा है, गोलीबारी को इसको बंद किया जाए, खून खराबे को बंद किया जाए, और वहाँ पर बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। बहुत बुरी बात है ये सब जो कुछ हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए हमने कहा जो इनोसेंट लोग हैं जिन पर ये मुकदमे लग गए हैं, उनको आतंकवाद के नाम पे बंद किया है, उन्हें जेलों से रिहा किया जाए, और जो लोग जिनका इसमें जो है मारे गए हैं लोग, उनको जो है 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 घर को नौकरी के लिए हमने कहा है। तो ये खून खराबा अच्छी बात नहीं है, इसे बंद करना चाहिए, हमने तो यही कहा है। आपका ये कहना था कि जितने भी आतंकवादी बने हैं हम उनको रिहा कराएंगे, उसको किस नजरिए से देखें हम? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आतंकवादी जो बंद हैं, आतंकवाद के नाम पर जिन्हें बंद किया गया है झूठे केसों में, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, उनको जो है रिहा किया जाएगा। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो मैंने ये कहा था। क्या लगता है इसके बाद में क्या परिणाम? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का हूँ इसलिए माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूँ। आज तक माइनॉरिटीज की कोई बात ही नहीं करता है, सबको कुर्सी चाहिए, सबको साहब मिनिस्ट्री चाहिए, सबको केंद्रीय मंत्री बनना है, किसी को कुछ मंत्री बनना है, लेकिन कश्मीर की बात जो है वो 40 करोड़ हिंदुस्तानी कश्मीरियों की बात नहीं है, 40 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान के दिल का दर्द है वो, जिसे मैं लेकर बैठा हूँ। अगर मैं गलत लेकर बैठा हूँ तो आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए, और मैंने कहा है कि जो इनोसेंट लोग होते हैं उनका फैसला तो जजेस करेंगे, मैं थोड़ी करूँगा। जैसे ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को फांसी दी जाएगी, इसमें क्या है सच्चाई आपकी तरफ से कहा गया? भाई बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो लोग इनोसेंट लोग कत्ल किए गए हैं उसका फैसला तो जस्टिस देंगे कि भाई कौन इनोसेंट थे कौन नहीं थे। तो उन लोगों के ऊपर बीजेपी वालों ने ही क्योंकि बहुत दबाव बना के अब कैसे कत्ल वारत कराया है वहाँ, तो मैं समझता हूँ कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और नया कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए।
बल्कि कोई बातचीत का रास्ता अपनाया जाए जिससे कि वहाँ गोलीबारी खून खराबा जो हो रहा है गोलीबारी को इसको बंद किया जाए, खून खराबे को बंद किया जाए और वहाँ पर बातचीत का रास्ता अपनाया जाए। बहुत बुरी बात है ये सब जो कुछ हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए हमने कहा जो इनोसेंट लोग हैं जिन पर ये मुकदमे लग गए हैं उनको आतंकवाद के नाम पर बंद किया है, उन्हें जेलों से रिहा किया जाए और जो लोग जिनका इसमें जो है मारे गए हैं लोग उनको जो है 1-1 करोड़ रुपया और 1-1 घर को नौकरी के लिए हमने कहा है। तो ये खून खराबा अच्छी बात नहीं है, इसे बंद करना चाहिए, हमने तो यही कहा है। आपका ये कहना था कि जितने भी आतंकवादी बने हम उनको रिहा कराएंगे, उसको किस नजरिए से देखें हम? नहीं, मेरा मतलब ये है कि आतंकवादी जो बंद हैं आतंकवाद के नाम पर जिन्हें बंद किया गया है झूठे केसों में, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, उनको जो है रिहा किया जाएगा अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो। मैंने ये कहा था। क्या लगता है इसके बाद में क्या परिणाम? माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का हूँ इसलिए माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूँ। आज तक माइनॉरिटीज की कोई बात ही नहीं करता है, सबको कुर्सी चाहिए, सबको साहब मिनिस्ट्री चाहिए, सबको केंद्रीय मंत्री बनना है, किसी को कुछ मंत्री बनना है, लेकिन कश्मीर की बात जो है वो 40 करोड़ हिंदुस्तानी कश्मीरियों की बात नहीं है, 40 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान के दिल का दर्द है वो, जिसे मैं लेकर बैठा हूँ। अगर मैं गलत लेकर बैठा हूँ तो आपको जो सजा देनी है मुझे दीजिए। और मैंने कहा है कि जो इनोसेंट लोग होते हैं उनका फैसला तो जजेस करेंगे, मैं थोड़ी करूँगा। जैसे ये आरोप लगाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को फांसी दी जाएगी, इसमें क्या है सच्चाई आपकी तरफ से कहा गया? भाई बिल्कुल, मैंने कहा है कि जो लोग इनोसेंट लोग कत्ल किए गए हैं उसका फैसला तो जस्टिस देंगे कि भाई कौन इनोसेंट थे कौन नहीं थे। तो उन लोगों के ऊपर बीजेपी वालों ने ही क्योंकि बहुत दबाव बना के अब कैसे कत्ल वारत कराया है वहाँ, तो मैं समझता हूँ कि उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और नया कानून बनना चाहिए ऐसे लोगों के लिए।